हम वैभव लक्ष्मी व्रत के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम वैभव लक्ष्मी व्रत के भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करना। अन धन की देवी है भक्तों वैभव लक्ष्मी माँ, श्रद्धा भाव से नमन सदा तुम माता को करना। जिन भक्तों पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, जीवन में ना धन की कमी उन भक्तों के घर आए। वैभव लक्ष्मी व्रत को जो भी श्रद्धा भाव से करते, अन धन के भंडार सदा उन भक्तों के भरते। अपने भक्तों पर करती माँ के पाकी बरसात, माता लक्ष्मी देती सबको खुशियों की सौगात। श्रद्धा भाव से जो चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करना। श्वेत रंग तो माँ लक्ष्मी को भक्तों बड़ा ही भाए, श्वेत पुष्प पूजा में अर्पित इसीलिए किया जाए। सफेद ही चंदन का माता को तिलक लगाया जाता, और खीर का भोग बड़ा ही माँ लक्ष्मी को भाता। लक्ष्मी यंत्र स्थापित करके नियमित पूजा करते, एक समय ही भोजन व्रति इसमें है करते। जितने भी किए व्रत है उनका उद्यापन करवाइए, वैभव लक्ष्मी कथा की पुस्तक भक्तों में बंटवाइए। सकल मनोरथ भक्तों के पूरे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ, हम पर कृपा करना। सबसे पहले माँ लक्ष्मी के चरणों में शीश झुकाए, वैभव लक्ष्मी व्रत की भक्तों अब हम कथा सुनाए। श्रद्धा भाव से सुनना इसको भक्तों लगा के ध्यान, माता लक्ष्मी देंगी सबको अन्न धन का वरदान। बात है प्राचीन काल की, कोई नगर पुराना था, लाखों ही लोगों का जिसमें तो आशियाना था। अपने अपने काम से था बस उनको तो सरोकार, स्वार्थ भाव
सबके मन में ना करते परोपकार, एक दूजे के काम में ना कभी हाथ बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। शीला नाम की ही शहर में रहती है एक नारी, पति पत्नी की आदत उनकी सबसे है न्यारी। पति पत्नी दोनों ही निशदिन मंदिर में जाते हैं, माता की भक्ति में अपना ध्यान लगाते हैं। भजन कीर्तन हो मंदिर में शीला भी गाए, उनके भजन सब नारियों को तो पसंद बड़े आए। शीला का पति अपने काम पे रोज चला जाता है, बुरी आदतों में धीरे धीरे पड़ जाता है, क्योंकि कुछ बुरे लोग मित्र उसके बन जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। शीला के पति की संगत में बुरे लोग जो आए, ऊंचे ऊंचे सपने उन्होंने उसको है दिखलाए। बुरे लोगों की संगत का तो ऐसा असर हुआ, शीला का पति उनके साथ ही लगा खेलने जुआ। क्योंकि शीघ्र ही होना चाहता था वो तो धनवान, जुआ खेलना आदत है बुरी इससे था अनजान। कभी जीत जाए जुए में और कभी है हारा, होना क्या अंजाम है इसका ना जाने बेचारा। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती जब दिन उल्टे आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। पर जाता है बस शीला इतना जाने, घर में देर से आने लगा वो करके रोज बहाने। शीला का पति एक दिन जब जुए में है हारा, बैठा था चुपचाप अकेला कोने में बेचारा। बुरे दोस्त बनकर शुभ चिंतक उसके पास आए, शीला के पति को भी उन्होंने दी है शराब पिलाए। लड़ खड़ाते कदमों से जब आया अपने घर, देख पति की हालत शीला गई बड़ी ही डर। पहले कभी ना मेरे पति तो यूं लड़खड़ाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। शीला को जब पता चला के किया है कोई नशा, कहने लगी है पति देव ये आपने कर दिया क्या। नशे की आदत बुरी है शीला लगी जो समझाने, उठा के डंडा शीला पर ही लगा वो बरसाने। दया नहीं की शीला तो बड़ी चीखें चिल्लाई, जैसे तैसे करके पति को फिर तो नींद आई। बिन कुछ बोले सुबह उठकर फिर वो चला गया, अगले दिन भी वैसा ही शीला के साथ हुआ। खुशहाली थी अब तक दिन दुख के आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। किंतु शीला ने अपना धीरज ना खोया था, माता लक्ष्मी पर शीला को पूरा भरोसा था। करने लगा नशा पत्नी उसका करता रोज पिटाई, इस कारण ही शीला कुछ दिन मंदिर ना जा पाई। किंतु मन ही मन में करती माता का वो ध्यान, सोच रही के बीते हुए दिन लौटा दे भगवान। जानत थी ये शीला सुख दुख आने जाने हैं, थोड़े से दुख के दिन हैं ये भी कट जाने हैं। अच्छे बुरे दिन सबके ही जीवन में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। एक दिन शीला बैठी हुई थी जब अपने घर में, कैसे दुख के दिन आ गए वो सोच रही मन में। बाद दोपहर का समय हुआ दिन ढलने को आया, शीला का दरवाजा किसी ने आकर के खटखटाया। खोला जो दरवाजा देखा एक बूढ़ी माई, बुजुर्ग महिला है उसको समझ ना आई। बुढ़िया अपने बारे में है शीला को बतलाती, कई दिनों से शीला तुम ना मंदिर में आती। तेरे गाए भजन पसंद सबको ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे वैभव लक्ष्मी माँ
हम पर कृपा करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। सुन बुढ़िया की बात है शीला, पहले तो सकुचाई लगी पूछने, फिर शीला की आंखें भर आई। बोली माता पति मेरा बुरी संगत में पड़ा है, सहा न जाता अब मुझको ये उसका दुखड़ा है। लगी नशे की लत उसको और खेलता है जुआ, ये सुनकर बूढ़ी औरत को दुख है बड़ा हुआ। बोली बुढ़िया होंगे दुख कम बेटी नहीं डरो, श्रद्धा भाव से वैभव लक्ष्मी के तुम व्रत करो। जिसके करने से संकट सारे कट जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। लक्ष्मी व्रत विधि फिर बुढ़िया ने बतलाई, हुई है अंतर ध्यान वो फिर तो नजर नहीं आई। जान गई है शीला थी साक्षात लक्ष्मी माँ, क्योंकि मन में बड़ा सुकून है शीला को आता। बुढ़िया की बतलाई बातें उसको याद रही, वैभव लक्ष्मी व्रत करने की ठानी मन में भी। शुक्रवार को उसने वैभव लक्ष्मी व्रत किया, आए घर में पति तो उनको भी प्रसाद दिया। मारने के लिए उस दिन ना वो डंडा उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। वैभव लक्ष्मी के व्रत शीला ने बोले, लगा सुधरने उसका पति भी फिर होले होले। वैभव लक्ष्मी व्रत करे शीला हर शुक्रवार, अपने पति की याद तुम्हें भी देख रही है सुधा। क्योंकि वो प्रसाद पति को अपने लगी है खिलाने, शराब पीनी छोड़ी है और गया न जुआ खेलने। शीला के संग रोज ही वो तो माता मंदिर जाए, 21 व्रत भी पूरे ही अब होने को आए। पति पत्नी फिर मिलकर उद्यापन करवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना।
कितनी महिला व्रत उद्यापन में उनके आई। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा शीला ने सबको सुनाई और कथा की सबको ही पुस्तक बटवाई है। बीत गए दिन दुख के हैं, घर में खुशियाँ छाई हैं। सबके संकट दूर करो हे वैभव लक्ष्मी माता। डीएस पाल बिसुमर शारदा आपके ही गुण गाता। हंस राज रलहन ने फौज सुरेश को बतलाया, तभी आपकी महिमा माता मैं तो लिख पाया। आपका आशीर्वाद भक्त सब पाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिस व्रत के करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना, हे वैभव लक्ष्मी माँ हम पर कृपा करना।